नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अहमदाबाद के निकोल इलाके में मंगल पांडे हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए की गुजरात लघुमती मोर्चा की महिला अध्यक्ष सबाना बानू रिजवान पटेल एवं जिला अध्यक्ष किरण पाटिल अहमदाबाद को बाबा साहब अम्बेडकर गौरव पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले द्वारा शीतलवर्षा महावीर कॉम्प्लेक्स बहरामपुरा अहमदाबाद में RPI एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां मंत्री रामदास आठवले का शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया और सबाना बानू रिजवान पटेल एवं किरण पाटिल की ओर से मोमेंटम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हाँ, तो गुजरात में आज मैं आया था। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी है, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, तो जो अशोक भट्टी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले कुछ जो लोगों का सम्मान रखा था, उसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी को अपने अपने जिले में मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, उन कार्यकर्ताओं को काफी रिपब्लिकन गौरव सम्मान के माध्यम से उनका सम्मान करने का बोला मंच रखा गया। हॉल का नाम क्या है? मंगल पांडे हॉल। मंगल पांडे हॉल में आज का समारोह रखा गया था और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का उसमें सम्मान हुआ। आज यहाँ मैं आया हूँ जो शबाना बेन पटेल जी, जो मतलब हमारी रिपब्लिकन पार्टी की महिला लीडर भी है, माइनॉरिटी की लीडर भी है, उनके ऑफिस को भेंट करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर मतलब रिपब्लिकन पार्टी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबको साथ में लेकर पार्टी को मजबूत करने की भूमिका हमारी है और उसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। हम गुजरात के सभी जनता को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश खुशहाली से आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मतलब पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और रिपब्लिकन पार्टी BJP का सपोर्ट करके 2024 में मतलब NDA की सरकार लाने के लिए हमारी कोशिश जारी है और हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लोकहित के कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की अपील करनी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए 2024 न्यूज के साथ।